प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं एस कुमार मनोज आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, यह आईएएस मेंस परीक्षा के लिए और पीसीएस मेंस परीक्षा के लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और निश्चित रूप से आप सभी लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, जैसा कि आप लोग लगातार कमेंट के माध्यम से बता भी रहे हैं। लगातार इसको शेयर करें, कमेंट करें और इसका लाभ लें। एक एक प्रश्न पर बहुत आराम से परिचर्चा की जा रही है, बिल्कुल व्यवहारिक समझ के साथ आपको ये बताया जा रहा है, जो कि एक मजेदार प्रयास है। तो क्यों ना हम इसका लाभ उठाएं। आइए बच्चों, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक प्रश्न है और इससे पहले वाला वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें रिजर्व बैंक और जो है मौद्रिक नीति पर काफी अच्छा कुछ बताया गया है, तो थोड़ी आपकी समझ और बेहतर हो जाएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थिरता के साथ विकास, आप एक बात देखो बच्चों, यहां पर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात, एक शब्द है स्थिरता। कैसा शब्द है? स्थिरता के साथ विकास। स्थिरता क्या है भाई? स्थिरता के साथ विकास का क्या मतलब है? विकास तो विकास है, स्थिरता के साथ मतलब स्टेबिलिटी हो, इस बात को समझो। स्थिर विकास हो, इस बात को समझो। धीरे धीरे क्रमिक विकास तो हो रहा है, लेकिन कैसा विकास हो? अस्थिर ना हो। चीजें दिन प्रतिदिन क्या हो, जीवन की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन क्या हो, बेहतर हो। स्थिरता के साथ विकास को स्थापित करने में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। देखिए, हम सब लोग लोन लेते हैं बैंक से, बैंक लेता है लोन किससे? आरबीआई से। बैंकों का बैंक आरबीआई है। तो आज बात वही हो रहा है कि इसमें आरबीआई जो है, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक जो है, उसकी भूमिका को हमें स्पष्ट करना है। आप देखिए, नोट पे लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक, देखते हैं ना, उसके गवर्नर का साइन होता है। तो मौद्रिक पूरी प्रणाली कौन चला रहा है? आरबीआई तो चला रहा है वित्त मंत्रालय की मदद से। प्रश्न संघ एवं उत्तर प्रदेश राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य अध्ययन तिथि प्रश्न पत्र भारतीय अर्थव्यवस्था खंड भारत की मौद्रिक प्रणाली के उपखंड से है, इस बात को हमें समझना चाहिए। अब इस बात को हम देखते हैं, प्रश्न कार्य, अब इस बात को समझिएगा। प्रश्न, इसका जरा प्रश्न विचार करिए, प्रश्न कैसा है? प्रश्न है कार्य कारण संबंध, इस बात को समझिएगा, पर आधारित है, जिसमें लक्ष्य क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ विकास, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका लक्ष्य है। जबकि कारक क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। पॉइंट क्लियर? अर्थात प्रश्न में भारत में बिना अत्यधिक उच्चावच के अस्थायी विकास को सुनिश्चित करने में आरबीआई की भूमिका को स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है। स्पष्ट करने का अभिप्राय यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाने हेतु कौन कौन सी भूमिका का निर्वहन करता है, यह बात हमें समझना पड़ेगा। आरबीआई की भूमिका पर हम बात करेंगे, कौन सी उसकी जिम्मेदारियां हैं जिसका वह ठीक प्रकार से पालन कर रहा है। आइए इस बात को हम समझते हैं और इस पर हम बात करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, इस पॉइंट को। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो रिजर्व बैंक है, आप इसको देखिए, यहां से हम चीजों को एक एक करके आपको बताएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, ठीक, स्वतंत्रता से पहले की बात हो रही है, नहीं, कब की बात हो रही है? 1934, ठीक है भाई। आइए देखते हैं क्या हुआ। यह बात है 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का इतिहास किसी दिन पढ़ाएंगे अलग से टॉपिक में, वो तो एक अलग इशू है, फिलहाल हम देखते हैं कि इस प्रश्न का जवाब कैसे देना है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का मौद्रिक प्राधिकारी है, ठीक, इस बात को समझें आप। इसका उद्देश्य इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका एम है देश में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु मौद्रिक नीति का निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन करना है। इस पॉइंट को एज इट इज नोट करना, बिल्कुल सबसे पहले फिर से इस बात को समझो। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक भारत का मौद्रिक प्राधिकारी है और इसका उद्देश्य, इसका एम, इस लाइन को देखो, देश में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु मौद्रिक नीति का निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन करना है। इस तहत देखें तो मौद्रिक नीति के तीन लक्ष्य हैं। मौद्रिक नीति कितने लक्ष्य हैं? तीन लक्ष्य हैं। पहला, अल्पकाल में मुद्रा
स्फीति पर नियंत्रण, इस बात को ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन पर, मुद्रा स्फीति पर आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा लिमिटेड पीरियड में। दूसरा, मध्यकाल में वित्तीय स्थिरता, ठीक। और तीसरा, दीर्घकाल में समावेशी विकास। समावेशी विकास पर इस रिज्यूम ने चर्चा भी किया है, सबके विकास की बात हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, निम्न वर्ग का हो, बहुत बड़ा हो, बहुत छोटा हो, किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, मजदूर हो, कोई भी हो, समावेशी विकास, इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह क्या काम करता है, 6 काम करता है। कितने काम करता है? 6 काम करता है। आइए इन 6 कार्यों को हम लोग एक बार देखें। पहले आइए देखते हैं, बड़ा आराम से मजा आ रहा होगा आप लोगों को समझने में, एक एक चीज बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल तरीके से आपकी क्लियर होती चली जाएगी। भारत में स्थिरता के साथ विकास और आरबीआई, हम पहली बात करते हैं। देखो यहां पर हमने इसके नीचे यहां पर 6 बातों पर हम बात करेंगे और 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर हमने बात करनी है, और इसको पहले बात करके तब हम डायग्राम को समझते हैं। पहला है, यह भारत की मौद्रिक क्या है, प्राधिकारी है। मौद्रिक प्राधिकारी है कौन? आरबीआई। ठीक ठीक है, 1 रुपया चलेगा या नहीं चलेगा, 10 रुपया चलेगा कि नहीं चलेगा, नोट कब चलेगा, कब बंद होगा, इस पूरे चीज का मौद्रिक प्राधिकारी कौन है? आरबीआई। ठीक है, कहता है मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, पढ़ो 10 रुपए के नोट पर लिखा होता है, कौन कहता है? आरबीआई कहता है, समझो इस चीज को। तो भारतीय मौद्रिक नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, ठीक है, यही बात समझ में आ गई। यह नीति निर्माण करता है और उसको क्रियान्वित भी कौन करता है? आरबीआई करता है। यह वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक है और अपनी इस भूमिका के अंतर्गत यह जमाकर्ताओं के हितार्थ बैंकों के लिए मानदंडों का भी निर्धारित करता है। क्या करता है? मानदंड कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? आरबीआई तय करता है। दूसरी, ये आपने देखा, ये 2 पॉइंट हमने बताया। तीसरी बात आप देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में विदेशी मुद्रा का प्रबंधक भी करता है। जो भारत में विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी, उसका प्रबंधक कौन है? आरबीआई है। इसके तहत यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1990 का प्रबंधन करता है। ये देखिएगा कौन सा अधिनियम है, ध्यान रखिएगा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1990 का अनुसरण करता है, पालन करता है। देश में विदेशी मुद्रा का स्टॉक बनाए रखता है तथा आवश्यकता पड़ने पर विनिमय दर में हस्तक्षेप भी करता है। ठीक है, फॉरेन करेंसी एफडीआई पूरा ये मजबूत रखता है। कौन? ये किसकी जिम्मेदारी है? आरबीआई की है। चौथी बात देखिए, यह देश में मुद्रा जारी करता है। यह देश में क्या करता है, अभी आप देख सकते हैं, यह देश में मुद्रा जारी करता है की भूमिका का भी निर्वहन करता है। अपनी इस भूमिका के अंतर्गत यह नए नोटों का निर्गमन एवं पुराने नोटों को नष्ट करने का भी दायित्व निभाता है। और यह अभी आप देख सकते हैं, थोड़े समय पहले की बात है, ठीक है, खूब लंबी लाइन सब लोगों ने लगाई है, खूब नए नोट पाने के लिए हम लोगों ने खूब मेहनत की है। तो इस पॉइंट तो क्लियर ही है। और देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक सरकार एवं बैंकों को बैंकर की भूमिका निभाता है। मैंने पहले बता दिया था क्या है आरबीआई, बैंकों का बैंक निर्वहन करता है। अपनी इस भूमिका में यह अंतर्गत यह केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए व्यापारी बैंकों की भूमिका में है तथा यह सभी अनुसूचित बैंकों के खातों का भी संचालन खुद करता है। और देखिए, यह देश हित में विकासात्मक भूमिका का निर्वहन करता है। इस तरह यह प्रोत्साहनात्मक कार्यों का अंजाम देता है। समझ में आ रही बात? तो ये बात आपने समझा। अब हम इस सारी पॉइंट के बाद हमने यहां पर एक मिनट रुकी, थोड़ा हम इसको नीचे करते हैं और हम आपको ये सारी बातें यहां पर एक ग्राफ के माध्यम से एक बार फिर समझाने का प्रयास करते हैं। जरा पहले इस ग्राफ को आप देखिए। ग्राफ यह है कि भारत में स्थायित्व के साथ विकास और आरबीआई। आरबीआई पहले स्थापना देखो, इसका याद रखो कब है, 1935 सॉरी 1935 में स्थापना। कैसे? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, इस बात को ध्यान रखना, एक्ट 1930, स्थापना 1935। उद्देश्य, भारत में मौद्रिक स्थिरता और विकास का प्रोत्साहन, ये इसका एम। क्रियान्वयन, मौद्रिक नीति यही सारा करता है। मौद्रिक नीति का लक्ष्य क्या है? 3 तरह का लक्ष्य हमने बताया था शुरू में, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। अल्पकालीन में कम और स्थिर मुद्रास्फीति, मध्यकालीन में वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालीन में समावेशी विकास। आरबीआई की भूमिका के बारे में देखो क्या क्या है। देश की मौद्रिक प्राधिकारी है जो हमने नीचे बताया है, मौद्रिक नीतियों का निर्माण करता है, वित्तीय नियामक एवं
पर्यवेक्षक है, मतलब बैंकों के मान बैंकों हेतु मापदंड कौन निर्धारित करेगा? आरबीआई करेगा। तीसरा देखो, विदेशी मुद्रा का प्रबंधक है, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखता है। चौथा देखो, सरकार एवं बैंकों का बैंकर है, दोनों के खातों का क्या करता है? संचालन करता है, मुद्रा जारी करता है, नोटों का निर्गमन एवं नोटों को समाप्ति कर सकता है, ठीक है। विकासात्मक भूमिका है, राष्ट्रीय हित में व्यापक प्रोत्साहन कार्यों में क्रियान्वयन। इस पूरी बात को हमने यहां पर इस डायग्राम के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है और हमने लिखित रूप में भी इन चीजों को दिया है। जब आप डायग्राम बनाते हैं ना, तो देखते ही ना सारी चीजें तुरंत, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं तुरंत देख लेते हैं कि आपने सारे पॉइंट को टू द पॉइंट लिखा हुआ है, तो आपका काम बन जाता है और आपको पूरा का पूरा नंबर वहां पर देने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारी बातें होगी बच्चों। अब इसमें लास्ट लाइन में एक बार और आपके साथ पढ़ देता हूं, इसका संहार लिखता हूं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की उपयुक्त सभी भारतीय रिजर्व बैंक की उपयुक्त सभी भूमिकाओं को एक साथ देखने पर कंप्लीट अगर हम सारी चीजों का एनालिसिस करें तो क्या होता है? यह स्पष्ट होता है कि यह एक तरफ तो अर्थव्यवस्था को क्या करता है? अस्थायित्व बनाए रखता है, देशी व विदेशी हलचलों से देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर नहीं होने देता है, वहीं दूसरी ओर यह देश के विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक वित्तीय सहयोग भी प्रदान करता है। इस तरह हमने क्वेश्चन को पूरी तरह से एक एक पॉइंट को अच्छे प्रकार से लिखा। उम्मीद करता है करते हैं कि आपको ये चीजें बड़े अच्छे समझ में आई होंगी। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम लोग बिना रुके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आरबीआई आपने पढ़ लिया है, मजा आ गया होगा पढ़ करके। अब देखिए, धीरे धीरे आपकी समझ बेहतर हो जाएगी और ये ध्यान रखिएगा कि जब आप मेंथ की तैयारी करते हैं तो आप एक बेहतर समझ डेवलप करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट को रटने से, फैक्ट रटने से बात नहीं बनने वाली है। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल का मतलब सामाजिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी। क्या आपकी कोई जिम्मेदारी है? आइए इस जिम्मेदारी को समझते हैं। लेकिन ये किसकी जिम्मेदारी की बात की जा रही है? कॉर्पोरेट सेक्टर के। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ठीक है भाई, और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हम आपके साथ इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा, निश्चित रूप से दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा इसको और ऐसे कर देता हूं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ठीक है, इससे किस तरह के लाभ अपेक्षित है? प्रश्न पूछा जा रहा आपसे कि क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे किस तरह के लाभ अपेक्षित हैं? क्या यह अपने उद्देश्यों को पाने में सफल है? मतलब जो टारगेट, जो लक्ष्य रखा गया है, क्या यह उसको प्राप्त करने में सफल है? आइए इस बात को समझते हैं, देखते हैं कि क्या है इनका लक्ष्य, क्या है और किस तरह से यह जो है समाज के हित की बात कर पाता है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के अनुसार, ठीक। अब इस लाइन को बड़े ध्यान से रट के लिख लीजिएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रबंधकीय अवधारणा है, ठीक, जिसके अंतर्गत कंपनियां अपने बिजनेस ऑपरेशन और अपने हितधारकों के साथ बातचीत में सामाजिक और पर्यावरण मुद्दों का एकीकृत करती हैं। सामान्य शब्दों में इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि इसके अंतर्गत कंपनियां अपने औसत लाभ का कुछ भाग मानव कल्याण पर खर्च करती हैं। इस बात को ध्यान रखना, किस रूप में, यहां पर यह लाइन ध्यान रखना, सामाजिक और पर्यावरण के मुद्दों पर, ठीक। अरे यार, पैसा कमा रहे हो, ठीक है ना, तो कॉर्पोरेट सेक्टर ने तो सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। अब आप सोचेंगे कैसे? अरे भाई, मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह तक आपको बड़ी मात्रा में किसी भी प्रोडक्शन को पहुंचाना है तो परिवहन का यूज कौन कर रहा है? डीजल कौन खर्चा कर रहा है? पेट्रोल कौन खर्चा कर रहा है? पोल्यूशन लेवल कौन बढ़ा रहा है? पर्यावरण को बर्बाद कौन कर रहा है? एसी कौन यूज कर रहा है? आप देखो, पर्यावरण को पूरी तरह से प्रभावित कौन कर रहा है? उद्योग जगत ही तो कर रहे हैं। तो आप आइए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी इसको लीजिए, सामाजिक
और पर्यावरण के मुद्दे पर आप साथ दीजिए, पैसा तो आप कमा गए हैं, और जो है पर्यावरण जो है वह जो है एक तो जो है गरीब व्यक्ति कमजोर से भोजन से कुपोषित है, और दूसरा इस धूल ढक्कड़ में रह करके दुनिया भर की बीमारियों को भी क्या करे संचित करे। समझ में आ रही बात? तो यह नैतिक जिम्मेदारी है और ये होना भी चाहिए कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका काफी सारा भाग, कुछ भाग नहीं काफी सारा भाग लगाइए कहां पर, पर्यावरण में और सामाजिक हित पर लगना चाहिए। तो प्रश्न यही है। अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। समझ में आई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसे किस तहत लाभ अपेक्षित है, क्या यह अपने उद्देश्यों को पाने में सफल है? तो इसको फिर से समझिएगा, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के अनुसार कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रबंधकीय क्या है अवधारणा है। ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत कंपनियां अपने बिजनेस ऑपरेशंस और अपने हितधारकों के साथ बातचीत में सामाजिक और पर्यावरण मुद्दों को एकीकृत करती है। सामान्य शब्दों में इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत कंपनियां अपने औसत लाभ का कुछ भाग मानव कल्याण पर खर्च करती हैं। आइए इस बात को हम समझते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं और अच्छे से इसको समझिएगा। एक एक पॉइंट इसमें हमने नोट कर दिया है और आप इसको देखते चलिएगा। पहला पॉइंट से मैं यहां पर बात करूंगा, भारत में कंपनी एक्ट, कौन सा कंपनी एक्ट? कंपनी एक्ट 2014 की बात हो रही है, के तहत कंपनियों के लिए यह ध्यान दीजिएगा CSR ठीक, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अनिवार्य बनाया गया। ठीक, जो 2014 एक्ट है ये कह रहा है कि CSR जो है यह क्या हो गया, मस्ट है भाई, ठीक है, बनाया गया है जिसके अंतर्गत कंपनियां अपने औसतन लाभ का कम से कम 2%, ठीक, कमी है, ज्यादा होना चाहिए लेकिन कोई नहीं, शुरुआत छोटे से करते हैं। मान लीजिए भाई अगर 100 करोड़ की कंपनी है तो 2 करोड़ रुपया उसका लगेगा कहां पर, कहां लगेगा 2 करोड़, इसमें लगेगा, किसमें, मानव हित में लगेगा, CSR में लगेगा, समाज कल्याण पर खर्च करेंगी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अपेक्षित लाभ क्या है, आइए इस बात को देखते हैं। हमने देख लिया कि किस तरह से भारत सरकार ने यहां पर यह बताया है, इस अधिनियम का प्रयोग किया गया है, कंपनी एक्ट 2014 का प्रयोग किया गया, इसमें यह कहा गया है कि 2% आपका जाएगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, भूख गरीबी कुपोषण खत्म करने में सहायक। मैंने क्या कहा, सबसे पहला जो नीड है व्यक्ति का, देखिए हवा चाहिए, हवा मिल रही है, पानी चाहिए, पानी भी किसी तरह से प्राप्त कर ले रहा है व्यक्ति, भूख की समस्या, तब रहने की समस्या, भोजन की समस्या, क्या हम हैंड टू माउथ तक ही रह गए हैं? और अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में ऐसी समस्या है तो हम सबसे पहला देखिए यह जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसी क्रम में चलेगी, भूख गरीबी कुपोषण को खत्म करने में सहायता किया जाएगा। दूसरा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार की अपेक्षा, ध्यान रखिएगा अगर मां का स्वास्थ्य अच्छा है, गर्भवती मां या मां जो दूध पिलाती है तो उससे बच्चा सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, तो बच्चे और मां के, जच्चा और बच्चा की जो सुविधा है उसे हमें देना पड़ेगा, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य में मुहैया कराना पड़ेगा, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। शिक्षा वृद्धि में सहायक, एजुकेशन जो है रेट बढ़ाना पड़ेगा, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायक, बिल्कुल बात सही है, प्रधानमंत्री राहत कोष, और अगर पैसा बचा तो प्रधानमंत्री राहत कोष में भी पैसा भेजा जाएगा, श्रम क्षेत्रों का उचित विकास, वहां से भी देखिए जो प्रधानमंत्री राहत कोष में जाता है वह आपदा प्रबंधन अन्य जगहों पर क्या होता है, वह ह्यूमन वेलफेयर के लिए तो आएगा वापस। श्रम क्षेत्रों, जो स्लम क्षेत्र है जहां पे झुक्की झोपड़ी है, गरीब लोग हैं, उनके क्षेत्र के विकास में हम मदद करेंगे। सरकार के सामाजिक दायित्व में कमी, ठीक है, देखिए अब इससे क्या हो जाएगा, यहां पर जो है कंपनी खुद जो है इस सामाजिक दायित्व पर आ रही, तो सरकार का थोड़ा सा जो है सरकार रिलैक्स महसूस कर सकती है, जिससे वह अन्य आवश्यकताओं मुद्दों पर, जैसे फिर क्या होगा कि सरकार का ध्यान कहां चला जाएगा, सेना पर, बुनियादी ढांचा पर व्यय करने में सक्षम हो जाएगी। जब उसके पास थोड़ा सा जिम्मेदारी घटेगी तो वह निश्चित रूप से फिर वह दूसरी तरफ ध्यान लगाएगी अन्य क्षेत्रों पर, उधर चाइना से भी तो हमें लड़ना है, उसे भी तो पीछे ढकेल के जाना है, उधर पाकिस्तान को भी तो सबक सिखाना है, समझिएगा, उधर देखे थे नेपाल भी उबला रहा था, तो हम सबको क्या करना है, एक एक कर करके जो है उन चीजों को भी हमें अभी से धीरे धीरे ही जो है बुनियादी तरीके से इन सारे मुद्दों को क्या करना है भाई, लड़ना पड़ेगा ना, उससे हम बच नहीं सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये चीज है, भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंपनियों के लिए अनिवार्य बनाए जाने के पश्चात, अब देखिएगा यहां पर बनाए जाने के बाद
सीएसआर के अंतर्गत कंपनियों ने समाज कल्याण के लिए खर्च बढ़ा है, शिक्षा स्वास्थ्य ग्रामीण विकास पर सीएसआर के अंतर्गत बड़े स्तर पर व्यय किया गया है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि धन का व्यय सिर्फ औपचारिकता के लिए किया गया है, न कि उस क्षेत्र राज्य की आवश्यकता के अनुसार। देखिए सबसे बड़ी जो समस्या है, आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं और आपका काम है इस धन का क्रियान्वयन, बस इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज है कि क्रियान्वयन जो है हमारे यहाँ वह बेहतर क्यों नहीं है, बस ये एक चिंता का विषय। बाकी इस जो है कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाद में ही बात कही गई कि ठीक है निश्चित रूप से जो है कंपनियों, क्योंकि ये तो अधिनियम है तो उसका पालन करना ही पड़ेगा, यानी वो फंड आ रहा है, लेकिन क्या वह फंड उस उद्देश्य से पूरा होना चाहिए जिस उद्देश्य से वह आया है, तो वह बात कही गई है, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। तो बच्चों इस तरह से हमने यहां पर आपके साथ हमने ये पूरी बात आपको बताई है, और आप इसमें और भी आपको मैं बता रहा हूं सीएसआर में देखिए कि सीएसआर क्या है, जरा इसको आप समझिएगा और एक एक करके हम इस चीज को समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं। जरा देखिए सीएसआर, ठीक, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंग्लिश में लिख देते हैं ना, यहां से पेन ले लिया जाए पहले, और तो हम लोग बात कर रहे हैं सीएसआर पर, और इसी क्रम पे हम लोग थोड़ा सा आगे बात करने वाले हैं सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक ही करके फिर से जरा देखा जाए। देखिए कंपनियों द्वारा अपने लाभ का कुछ हिस्सा सामाजिक कल्याण पर खर्च करना, जो कि अभी भारत में देखा कितना दिया गया है, एक्ट 2014 के तहत अनिवार्य बनाया गया है 2% कम से कम। अपेक्षित लाभ क्या है, इससे लाभ भूख गरीबी कुपोषण खत्म करने में सहायक, मात्र शिशु स्वास्थ्य पर व्यय, शिक्षा में सहयोग, श्रम क्षेत्र का विकास, उद्देश्य प्राप्त करने में सफल या असफल। देखिए वर्ष 2014 के बाद सीएसआर के अंतर्गत धन आवंटन में वृद्धि हुआ है, ठीक, लेकिन उचित क्षेत्र में व्यय का अभाव हुआ है, अतः ठीक है निगरानी के उद्देश्य से अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, जो मैं आपको कह रहा था इसका क्रियान्वयन या इसकी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, इसकी निगरानी करने की जरूरत है। अब आइए इस बात को हम और अच्छे समझते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, आइए देखते हैं क्या कहता है, और इस बात को हम लोग बड़े आराम से समझेंगे कि करके ये कह रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये कह रहा है कि भारत में 115 जिले, कितने जिले, 115 जिले, भारत में 115 जिले बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। ठीक, ये एक डाटा है, समझिएगा, अगर 115 कह रहा है तो संख्या बढ़ भी सकती है, ठीक है इस बात को ध्यान रखिएगा। 115 जिले बुनियादी जिलों से सुविधित हैं, लेकिन यह किसका डाटा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का डाटा है, हम इसे प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, हमें यही मान चलना पड़ेगा कि ठीक है 115 जो है हमारे सामने यह चीजें आई जहां पर बुनियादी सुविधाएं हम जो है ध्यान में नहीं आया है कि इन जगहों पर जो है बुनियादी सुविधाएं नहीं है। अब इस बात को आप ऐसे समझिए, नीति आयोग जो कि क्या था, नीति आयोग भाई, पहले नीति आयोग क्या था, पहले नीति आयोग जो था यह योजना आयोग था, और यो प्लानिंग कमीशन का नाम ही बाद में क्या हो गया, नीति आयोग। वो क्यों हुआ इस पर भी परिचर्चा की जाएगी, अभी नीति आयोग और योजना आयोग पर हम बात नहीं करेंगे, हम इस क्वेश्चन पर बात करें तो यहीं से चलेंगे। तो नीति आयोग ने क्या किया, नीति आयोग ने सभी कंपनियों को निर्देशित किया है कि सीएसआर के तहत क्या करें, इन्हीं जिलों के विकास गतिविधियों पर व्यय किया जाए। उन्होंने कहा कि भाई देखो जो निजी कंपनियां हैं उनसे जो भी पैसा आ रहा है उस पैसे को, उस फंड को इस 115 जिले में लगाओ, ठीक। और ये कौन कहा है, इस बात को फिर से देखिएगा, मैं फिर से पढ़ता हूं, नीति आयोग ने कहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बावजूद इन जिलों में व्यय राशि काफी कम है, सीएसआर रिपोर्ट 2018 के अनुसार। अब आइए चलते हैं 2018 में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक, सीएसआर धन का 1% या 1% से कम ही खर्च किया गया है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, इन स्टेटों में जो कि जहां पर बहुत ही इस तरह की समस्याएं आई हैं, इनके स्टेट के इन जिलों में अगर हम गए हैं तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर 1% से भी कम, जबकि इन राज्यों में पिछले जिलों का प्रतिशत सर्वाधिक है। आप देख सकते हैं
पिछड़ी जो है पिछड़ापन इन राज्यों में ज्यादा है, तो यहां पर विकास को हमें ज्यादा पहुंचाने की जरूरत है। इसी प्रकार महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में आवश्यकता से अधिक धन व्यय भी किया गया है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, पैसा तो आया लेकिन देखिए पैसा कहां लगा जाएगा, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पहले से ही डेवलप है। राजस्थान, गुजरात, गुजरात देखिए पहले से आंध्र प्रदेश में लगा दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार कुछ कंपनियां अपने उत्तरदायित्व से बचने के लिए सीधे सरकारी कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष में धन का स्थानांतरित भी कर देती है। इस बात को समझिए, यह भी एक बात समझिएगा भाई। हमने उसमें दिखाया था, आपको बताया भी था, इस पॉइंट पर हमने अभी इसी लेक्चर में चर्चा भी किया था कि जब यह पैसा में एक पॉइंट यह भी है कि आप जो है प्रधानमंत्री राहत कोष तक पैसा भेज दीजिए, वो करेंगे। तो देखिए सीधा सीधा फिर जो है क्या है, फिर सीधा सीधा जो है विकास का लाभ ना मिलकर के फिर वापस वो पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में आएगा, और वह किस प्रकार से उन लोगों तक पहुंचेगा जिनके लिए हम यहां पर बात कर रहे थे, जिनके लिए हम यहां पर चिंतित थे, जिनके लिए हम यहां पर दुखी थे। तो ये बात आप समझिएगा। तो यहां पर जो है इसका वही मैं कर रहा हूं क्रियान्वयन, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सही प्रकार से नहीं पहुंच पा रहा है। निष्कर्ष, सीएसआर के संबंध में यह कहा जा सकता है कि भले ही अपने उद्देश्यों की प्राप्ति सफल नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये एक बात तो सत्य है। क्या सत्य है ये बात, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस संबंध में वर्ष 2014 के बाद धन आवंटन में वृद्धि हुई है और उसका व्यय भी आवश्यक परियोजनाओं में ही हो रहा है। मतलब एक बात तो है कि इस तरह से जो पैसा आ रहा है उसका कहीं ना कहीं लाभ मिलना शुरू भी हुआ है, ठीक है। अंतर सीएसआर के संबंध में कह सकते हैं कि कमी सिर्फ निगरानी की है, जिसके कारण धन का उचित व्यय नहीं हो पा रहा है, अतः हमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। और मैं एक अपना और भी सजेशन आपके साथ दूं कि ये जो 2% है भाई, इसको बढ़ाओ यार, थोड़ा थोड़ा और पैसा लाओ यार, बहुत समस्याएं हैं, कैसे समाधान होगा, फंडिंग की और जरूरत है। लेकिन फिलहाल जो 2% भी आ रहा है उसका सही प्रकार से पहले मॉनिटरिंग हो और इसी दिशा में काम होना चाहिए, तभी हम जो है देश को एक जो है समावेशी विकास की जो बात हम कर रहे हैं उस चीज को हम यहां पर लेके आ पाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने यहां पर आपको बताया सीएसआर क्या है और किस तरह से वह काम करता है। निश्चित रूप से आपको इस लेक्चर में इस बात का बड़ा ही लाभ मिला होगा। आइए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन का आपने आनंद उठाया और बड़ा ही आराम से हम लोग एक एक चीज को समझ रहे हैं, बड़ा व्यवहारिक तरीके से समझ रहे हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो चुकी है और एक इस लेक्चर में एक प्रश्न पर और बात होगी, जीएसटी पर बात हम लोग करने जा रहे हैं और जरा इसको हम बड़ा अच्छे समझेंगे। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएसटी, और आप देखिए पूछा गया प्रश्न है, यद्यपि वस्तु एवं सेवा कर को लेकर कुछ चिंताएं जाहिर, यद्यपि वस्तु एवं सेवा कर को लेकर कुछ चिंताएं जाहिर की जा रही है, तथापि इससे उत्पन्न लाभ अधिक स्पष्ट कीजिए, ठीक। आइए देखते हैं, वही है सेम जो है भारतीय वित्तीय प्रणाली के उपखंड से लिया गया है क्वेश्चन। इसका विचार देखिए, प्रश्न में दो भाग है, पहला भाग, प्रथम भाग में जीएसटी को लेकर चिंताओं की पहचान करनी है। पहला भाग क्या कर रहा है कि जीएसटी को लेकर चिंताओं की पहचान करनी, जबकि दूसरे भाग में जीएसटी से होने वाले संभावित लाभों को गिनाना है। देखिए यद्यपि वस्तु एवं सेवा कर को लेकर कुछ चिंताएं जाहिर की जा रही है, ठीक, लेकिन इससे उत्पन्न लाभ अधिक है। तो दोनों पहलू आ गया ना, पहला भाग क्या कर रहा है चिंताओं की पहचान करता है, जबकि दूसरा भाग क्या कर रहा है उससे होने वाले संभावित लाभ के बारे में बात करता है। तो प्रश्न के दो भाग है, प्रथम भाग में हम लोग जीएसटी को लेकर पहचान करना और दूसरे भाग में हम इसके लाभ की बात करते हैं। इस तरह से प्रश्न, इस तरह से यह स्पष्ट करने का निर्देश है कि जीएसटी की कुछ चिंताओं के बावजूद भी यह अधिक लाभदायक है। आइए इस प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। जीएसटी, एक टेस्ट एक राज्य, ठीक है, कोई चोरी चकारी नहीं, टैक्स सही जगह पे पहुंचे, देश का विकास सही प्रकार से हो, समझिए इस चीज को, देखते हैं अड़चने क्या आई, ठीक है, क्या जीएसटी जो है सही प्रकार से काम कर रहा है और कितने देशों में यह जीएसटी काम करता है, किस तरह से हम वैश्विक प्रणाली से जुड़े हैं, सारी चीजों पर हम यहां पर धीरे धीरे बात करेंगे। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है भाई, ये सब फैक्चुअल चीजें आप लोग याद करते रहिएगा साथ के साथ ही ना। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 100+1 अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से भारत में प्रभावी हुआ, ठीक है, कब से प्रभावी हुआ, 1 जुलाई डेट याद रखना पड़ेगा, 1 जुलाई 2017 से, यह क्या हुआ, लगभग 3 वर्ष पहले की बात। बहु अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एकल कर, भाई बहुत सारे आप कर दे रहे थे, ठीक है, अब आपको देना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु
देखिए, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, जीएसटी लिखूं यहां पर जीएसटी, जीएसटी ज्यादा आसान लग रहा होगा, वस्तु एवं सेवा कर थोड़ा सा परिचित कम लग रहा होगा, क्योंकि जीएसटी जीएसटी यूज होता है, जी का मतलब होता है गुड्स और एस का मतलब होता है सर्विस, टी का मतलब होता है टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेवा पर टैक्स वस्तुओं के उत्पादन पर टैक्स। आइए समझते हैं, 1 जुलाई 2017 से भारत में प्रभावी हुआ बहु अप्रत्यक्ष करों। देखिए बहुत सारे छोटे छोटे कर हैं कि स्थान पर एकल कर, एक ही कर को अपनाने से जहां भारतीय अप्रत्यक्ष कर परिदृष्टि में अनेक लाभ रेखांकित हुए, वहीं इसको लेकर कुछ चिंताएं भी उभरी। दोनों बातें हैं, जहां एक तरफ यह लाभ को दिखा रहा है, एक ही प्रकार का कर देना पड़ा है, एक ही कर देना पड़ा है, एक लाभ की तरफ दृष्टि कर, लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं। आइए जरा समझते हैं क्या होता है। वस्तु एवं सेवा कर जैसे जैसे जीएसटी को जिन जिन देशों में लगाए गए हैं, वहां आर्थिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होने की पृष्ठभूमि में भारत में भी जीएसटी को लेकर चिंताएं रहेंगी। केवल भारत की बात नहीं है, यह आप विश्व स्तर पर भी देख सकते हैं कि यहां पर कहा गया है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कर जैसे कर जिन जिन देशों में लगाए गए, ठीक है, वहां आर्थिक अस्थिरता की स्थिति भी उत्पन्न होने की पृष्ठभूमि में भारत में भी जीएसटी को लेकर चिंताएं उत्पन्न है। इसके अतिरिक्त एक चीज और देखिए, डिजिटलाइजेशन यानी डिजिटलीकरण आधारित प्रणाली होने के कारण इससे साइबर सुविधता तथा इससे छोटे व्यापारियों के लिए असुविधा होने के कारण भी इसको लेकर अनेक चिंताएं जताई जाती हैं। आप आइए देखते हैं, बड़े ध्यान सुनिएगा, परंतु गौर से देखें तो चिंताएं क्या हैं, निर्मूल एवं परिकल्पना पर आधारित है। प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, इस कारण अन्य देशों के आधार पर भविष्यवाणी करना तर्कसंगत नहीं होगा। इसके अतिरिक्त साइबर सुरक्षा उपयोगों तथा उपयोगिता व्यापारी जागरूकता से शेष चिंताएं भी निर्मूल हो जाएंगी। ठीक है, देखिए एक बात समझिए, डिजिटल इंडिया है, आप एक, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी वस्तु खरीदनी है, सपोज करिए आपने एक एसी खरीदा, एसी की कीमत है मात्र 40,000। ठीक, एसी में दोनों चीजें हैं, एसी एक गुड्स भी है और एक सर्विस भी है, क्योंकि एसी में आपको वारंटी गारंटी या बिगड़ने का एक सेवा के लिए भी वो क्या करते हैं, आपको 5 साल तक उसका सेवा भी देते हैं, समझिएगा उसमें दोनों चीजें हैं। अब उस पर मान लीजिए इसका स्लैब टैक्स, जीएसटी का स्लैब टैक्स है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मान लीजिए सपोज करिए, मैं एग्जांपल देता हूं कि सपोज करिए उस पर 18% आपने टैक्स पे कर दिया। अब मान लीजिए आपने 20% मान लेता हूं, 18 की जगह पे 20% मान लेता हूं, 40,000 पर आपने लगभग जो है 3600 रुपया, 18% के हिसाब से कितना आ जाएगा, 40,000 का 10% 8,000 मान लीजिए, या 38 दुना के कितना हो जाएगा, 7600 रुपया, 7,600 रुपये का टैक्स आपने दे दिया। समझिए इस बात को, वह टैक्स सीधा सीधा कहां चला गया, विकास में चला गया। अब वह टैक्स चाहे कोई यहां पर हो, चाहे दिल्ली में दे, चाहे उत्तर प्रदेश में दे, चाहे राजस्थान में दे, चाहे तमिलनाडु में दे, सब जगह एक ही प्रकार का कर है, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो इसका मतलब हमें कोई और किसी तरह का कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। मैं यहां पर इस एकल टैक्स की बात कर रहा हूं, मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए सबसे बेसिक है क्या कि जो चिंताएं उत्पन्न होती हैं, बेसिकली जब किसी चीज का एनालिसिस किया जाता है तो ये भी देखा जाता है कि भाई अन्य जगहों पर इसका क्या प्रभाव रहा। तो अन्य जगहों की भौगोलिक स्थितियां, सामाजिक स्थितियां, बैंकिंग स्थितियां, कई सारी चीजों को मिला करके क्या किया जाता है, इस बात का आकलन किया जाता है और उसके आधार पर हम इस बात को देखते हैं। तो जब तक हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो केवल मतलब को कहीं पर ऐसा होता है तो हम भी ऐसा करें, या कहीं पर ऐसा नहीं होता है तो हम भी ऐसा नहीं करें, इस पर जो है हमें इस दिशा में चलने की जरूरत नहीं थी। यही बात, ये बात, ये पैरा आपको समझा रहा था। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए यदि वस्तु एवं सेवा करों के लाभों को देखा जाए, आइए इसके लाभ को देखते हैं, तो उसके बहुआयामी लाभ दिखाई देते हैं जिससे केवल उपभोक्ताओं और व्यापारी लाभान्वित होंगे अपितु सरकार एवं अर्थव्यवस्था पर भी इसके सकारात्मक प्रभाव पड़े। मैंने कहा ना कि जैसे ही आपने कोई भी चीज खरीदा, आपने एक अच्छा खासा टैक्स क्या किया, सीधा गवर्नमेंट को दे दिया, इस बात को समझिएगा। वह लाभ जब आप टैक्स देंगे तो वह लाभ आप ही के पास किसी न किसी प्रकार से आएगा, तभी तो आप देखेंगे विकास की परिकल्पना क्या होती है, पूरी होती है। अब आगे जरा देखिए, इस बात को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, जहां तक उपभोक्ताओं के लाभान्वित होने
का है तो वस्तु एवं सेवा कर के दोहरे कर की समस्या समाप्त होगी, जिससे वस्तुओं की कीमत में कमी आएगी और इसके अतिरिक्त चुंगी कर की समाप्ति से वस्तुओं के प्रवाह तीव्र होंगे और उपभोक्ताओं के स्थितिक दबाव से बचाया जा सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किसी भी राज्य में जब टैक्स का दर तय है ना, तो कहीं मिलेंगे वो अलग किसी तरह का कोई टैक्स नहीं ले सकते हैं, चुंगी टैक्स अलग अलग जो है स्टेटों में अलग अलग प्रकार से होता है, उन सब सारी चीजों से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। देखिए, राज्य नहीं चाह रहा था कि जीएसटी लागू किया जाए, इस बात को आपको समझना चाहिए। क्यों राज्य नहीं चाह रहा है? क्योंकि राज्य को जो है जीएसटी क्या हो जाएगा, आप देखेंगे वो सीधा जो है वह केंद्र सरकार की बात हो जाएगी और यहां पर राज्यों की बात की जा रही थी, तो राज्य जो है राज्य की चिंताएं थी और उन देखिए आइए देखते हैं कि जीएसटी में चिंताएं क्या है, लाभ क्या है, एक एक चीजों पर हम लोग बात करते हैं। पहले यहां पर एक बार डायग्राम को समझते हैं पहले, और जो बातें बताई गई उसको हम एक बार फिर से बताते हुए आगे चलेंगे। पहला पॉइंट है 101वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, प्रभावी किया गया, और इस बात को देखिए कब किया गया, 1 जुलाई 2017 से प्रारंभ किया गया। चिंताएं और समाधान देखेंगे, लाभ देखेंगे और समग्र इसका समग्र प्रभाव ओवरऑल जो फायदा है वो लाभ वह क्या है, लाभकारी है। देखिए चिंताएं क्या है, अस्थिरता वाली जो बात की गई है कि अलग अलग देशों के आधार पर, दूसरा इसमें कहा गया कि साइबर हमला है और साइबर सुरक्षा के उपाय, अतः समस्याओं का समाधान भी क्या है, संभव है, असुविधा है तो जागरूकता कार्यक्रम जगाइए, इस बात को समझिएगा, अगर कोई नहीं जानता है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, जागरूकता करना पड़ेगा। तो इन समस्याओं को हम यहां पर क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। दूसरी बात इसके लाभ को जरा देखिए, लाभ क्या है, उपभोक्ता दोहरे कराधान की समाप्ति, कीमतों में कमी हो जाएगी। आपको दो तरह का टैक्स नहीं देना है, एक टैक्स देना है, एक राज्य एक टैक्स देना है, तो दोहरे कर की क्या हो जाएगी समाप्ति, कीमत अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उद्यमी तीव्र सरल एवं मितव्ययी, एकल कर, व्यवसायिक संरचना सुगमता, व्यवसायिक सुगमता हो जाएगी। समझ रहे हैं, जब एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो व्यवसाय करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सरकार तीव्र सरल एवं दक्ष हो जाएगी, कर राजस्व में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, अर्थव्यवस्था एकीकृत बाजार में रूपांतरण हो जाएगा, व्यवसायिक सुगमता में सुधार हो जाएगा, भारत की क्रेडिट रेटिंग में क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। भाई जब आप देखेंगे, जब टैक्स सही प्रकार से आएगा तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इसका जो है, अब गवर्नमेंट के पास सीधा सीधा पैसा पहुंच रहा है, सारी चीजें डिजिटल हैं बिल्कुल, जो है जो जीएसटी हर जगह मांगता है, आप जब जैसे आईटीआर भरेंगे पूरी चीजों की जानकारी लेगा तो आप देखेंगे कि बड़ा ही सही तरीके से क्या हो जाएगा, जब सरकार के पास पैसा पहुंचेगा सही समय से उसका सही पास पहुंचेगा तो विकास की प्रक्रिया तुरंत क्या आ जाएगी, एकदम जो है तीव्र गति से पकड़ लेगी। आइए इसको और समझते हैं, तो इसका मतलब यह जो है बहुत ही लाभकारी है। अब देखिए, उद्यमियों के हेतु जीएसटी का लाभ कम नहीं है, इसे न केवल कर अनुपालन आसान तीव्र एवं पारदर्शी होगा, अपितु उनके कर अनुपालन के अवसर लागत से भी क्या हो जाएंगे, कमी होगी और पूरे देश में एक समान प्रणाली प्रतिस्पर्धा तथा पारदर्शिता बढ़ेगी, जिसे व्यवसाय के अवसरों में सुगमता प्रदान होगी। हमने पहले बता दिया ये बातें और वही सब बातें एक एक बार करके और देखते हैं। यह सरकार के लिए हितकारी है क्योंकि इसमें प्रशासन सरल एवं आसान हुआ है, कर प्रशासन के पारदर्शी होने से कर रिसाव में जहां कमी आई है वहीं कर राजस्व में भविष्य में तीव्र वृद्धि की भी संभावना है, कुल मिलाकर इससे कर प्रशासन तीव्र एवं दक्ष हुए हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से भारतीय अर्थव्यवस्था के सकारात्मक रूप में प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। जीएसटी में जहां भारत एकीकृत बाजार में रूपांतरित हुआ है वहीं इसके अंतर्गत असंतुलन भी समाप्त हुआ है, इससे राज्य के मध्य संसाधनों के प्रवाह की बाधाएं भी समाप्त हुई हैं, इससे भविष्य में रोजगार आर्थिक क्रियाकलापों में तीव्र वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त जीएसटी भारतीय व्यवसाय सुगमता सूचकांक में वर्ष 2017 में 130वें से वर्ष 2017 में कहां पर पहुंच गया है, 77वें स्थान पर पहुंच गया है। आप इस बात को देखिएगा, पहले हम कहां पर थे, 130वां रैंक था और अब कहां पहुंच गए, 17-19 दो साल के अंदर अपना रैंक आप देखिए 77th रैंक पे पहुंच गया, कहां पर, भारतीय व्यवसाय सुगमता सूचकांक में। समझिए इस बात को, व्यापार करने में आसानी होगी, सुगमता होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग व्यापार करेंगे, ट्रांसपेरेंटी रहेगी, पारदर्शिता रहेगा, तो निश्चित रूप से जीएसटी का हमें लाभ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष, भले ही वस्तु एवं सेवा कर को लेकर शुरुआती दौर में कुछ आशंकाएं जाहिर की जा रही थी, लेकिन आज इसके लाभ सामने आ चुके हैं, आने लगे हैं और यह उचित है कि वस्तु एवं सेवा कर भारत के लिए लाभकारी है और भविष्य में भी यह क्या होगा, लाभकारी सिद्ध होगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो हमने यहां पर देखा कि जीएसटी का सीधा सीधा लाभ है और इस तरह से यह एक विकास प्रक्रिया में पूरी तरह से क्या है, यह शामिल हो चुकी है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन आपके सामने कराया और आप लोग जो है यह
प्रश्न उत्तर लेखन श्रृंखला का आनंद ले रहे हैं। लगातार हमने इसमें ग्राफ डाल डालकर भी चीजों को बताने का प्रयास किया है, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से आपके सामने नोट किया है और समझाने का प्रयास किया है, और आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में भी आ रही हैं, जैसा कि आप लोग लगातार मैसेज के द्वारा जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं। तो आप लोग लगातार बच्चों इस चीज को सुनते रहिए, देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए, क्योंकि देखिए जो है हम लोग अभी ऑनलाइन में क्या कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कितना आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज का लाभ मिले, यह आपकी भी नैतिक दायित्व है। तो बच्चों यहीं पर हम अपने शब्दों को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। यहीं पर अपने शब्दों को रोकते हुए धन्यवाद बच्चों।